नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए। अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें भी सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या देश में सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, जिसकी वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का जो सिस्टम है वो देश को एक पार्टी के सिस्टम की तरफ ले जा रहा है। सारा विपक्ष ऐसे खत्म हो जाएगा और सिर्फ बीजेपी बाकी रह जाएगी, क्योंकि एक तरफ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोपी ऐसे नेता हैं जो ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी में जा रहे हैं और सुरक्षित हो रहे हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए सुरक्षित जगह बन गई है, तो विपक्ष में भला कौन रहना चाहेगा जब विपक्षी नेता ऐसे गिरफ्तार होते रहेंगे। और इसे लेकर देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने बड़े सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी क्या कहते हैं? उन पत्रकारों की बुद्धि पर तरस आता है जिन्हें चुनावी बॉन्ड के लेन देन, नेताओं की पाला बदल, विधायकों की खरीद फरोख, सरकारों के पतन आदि के पीछे का भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। केजरीवाल पर लगे आरोपों पर कूदने लगे, जो भ्रष्ट होगा भुगतेगा, पर थोड़ी फिक्र लोकतंत्र की भी तो करो यारो। तो ओम थानवी सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र की परवाह अगर किसी को है तो इस बात पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि आखिरकार कार्रवाई सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर क्यों हो रही है। इसके आगे इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या कहते हैं? मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक कभी नहीं रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी का एक नागरिक के रूप में तीखा विरोध करता हूं। कई बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़े खुलासे होने वाले थे। उस खबर को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल की खबर को बड़ा बनाया गया है। इसके आगे रवीश कुमार इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? क्या 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है? अब कोई भी सर्वे लाइए, कोई भी डेटा लाइए, सब सही हो जाएगा। कहीं से फिट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। 400 की जगह 543 लिख दीजिए, सही हो जाएगा। विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस का खाता बंद, विपक्ष रहित चुनाव, जनता तय करे या जांच एजेंसी, बेकार का सवाल। तो रवीश कुमार कहते हैं कि एक तरफा चुनाव का सिस्टम हो गया है, सभी दलों के लिए बराबर के मौके नहीं है, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो रवीश कुमार कहते हैं कि विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके बैंक खाते बंद किए जा रहे हैं, सारा सिस्टम एक तरफा हो गया है, तो किस तरह का ये चुनाव है। आगे ध्रुव राठी इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं इलेक्शन से पहले, अरविंद केजरीवाल को बाय हुक और क्रूक गिरफ्तार किया जाता है। आगे ध्रुव राठी कहते हैं कि वो सारी बातें जो मैंने डिक्टेटरशिप वाले वीडियो में बोली थी एकदम बार बार सही साबित हो रही हैं। 2024 का चुनाव भारत को बचाने का आखिरी चांस है। तो ध्रुव राठी कहते हैं कि एक पार्टी का सिस्टम आ रहा है, 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का आखिरी चांस है। लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और देश की जनता क्या इसे लेकर समझ पाएगी? क्या खुद से और मोदी सरकार से सवाल कर पाएगी? क्या ये मुद्दे अब चुनाव में निर्णायक साबित हो रहे हैं, या फिर धर्म की राजनीति ही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा हथियार बन गई है, जहां सवालों को दरकिनार कर दिया जाता है, असल मुद्दों को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कराई जाती है और बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार के आरोपी सुरक्षित हो जाते हैं। आप लोकतंत्र के साथ ऐसे मजाक को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या हम एक पार्टी के सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में रहेगा तो जेल जाना पड़ेगा, अगर बीजेपी में जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। इस अवधारणा के साथ देश में एक पार्टी का लोकतंत्र होने के पूरे आसार हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।